नहीं है, 300 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता। डिस्काउंट कितना था? 95%। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स है। ये वो होटल है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, और एक्चुअली मैं जो चेक इन कर चुका हूँ और वापस आया हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में थका हुआ था, सो उतनी एनर्जी नहीं थी वीडियो शूट करने के लिए, और अब फ्रेश होकर के आया हूँ, सो वापस से शूट कर रहे हैं। ये वो जगह है पैराडाइज होटल करके नाम है, होटल पैराडाइज रेजिडेंसी। सो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर। सो स्टार्टिंग में कुछ उस तरह की फुट स्टेप्स मिलती हैं, सो एंट्री ले लेते हैं यहाँ से। और ये फर्स्ट यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिसेप्शन, और यहाँ पर रमन सर हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं। हाय, मेरा नाम रमन चौहान है और मैं होटल पैराडाइज रेजेंसी का मैनेजर हूँ। हमारा जो ये होटल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में है, जो अनाडेल जो है ये आर्मी एरिया के लिए बहुत फेमस है। एंड यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स है, एंड साथ में म्यूजियम है। हमारा होटल है यहाँ 10 से 12 साल से चल रहा है, और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है इस होटल के, लोकेशन के वाइज एंड हमारे स्टाफ की सर्विस एंड फूड। इसके लिए बहुत ही आप रिव्यूज़ देख लीजिएगा, हमारे स्टाफ के लिए रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं इसमें। एंड आप खुद ही देख रहे होंगे कि होटल की लोकेशन आपको भी पता है काफ़ी अच्छी है, एंड व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है, और रेट्स जो है ना वो मतलब बहुत ही सस्ते हैं, आप रेट्स नॉर्मल हैं। और थोड़ा मैं बता दूं कि थोड़ा मॉल रोड से दूर है, लेकिन सबसे सेफ लोकेशन है। एक्चुअली मतलब काइंड ऑफ रेजिडेंशियल एरिया। हाँ, रेजिडेंशियल एरिया है और सबसे सेफ एरिया है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर आपको लड़ाई ना झगड़ा मिलेगा, कुछ नहीं। इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। वैसे कुछ इंटीरियर्स हैं और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, तो वैसे ही सीधे से जाके यहाँ से जो है हम पहुँचाएंगे अपने रूम की तरफ। सो यहीं पर हमारा रूम है, सेकेंड फ्लोर में, रूम नंबर 201। सो ये होटल है। सो गाइस, दिस इज़ द चीपेस्ट होटल अवेलेबल इन शिमला, और इसकी प्राइसिंग देख के आप शॉक हो सकते हैं, क्योंकि ये होटल हमने बुक किया है सिर्फ 371 रुपीज़ में। यस, 371। उसके फीचर्स आपको दिखा देता हूँ मैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा दूर है, स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। तो अगर आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये दरवाजा है, सो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वॉशरूम देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं तो एक ड्रॉअर देखने को मिलता है, इसमें जो है एक्चुअली एक ये इसमें बैगेज वगैरह रख दिया है। सो ये जो है थोड़ा सा बाहर है, बंद नहीं हो रहा है, बैगेज हमने एक्स्ट्रा टूल्स उसके भरे। उसके बाद यहाँ पर दो और ड्रॉअर्स देखने को मिलते हैं, इसमें जो है आपको ब्लैंकेट वगैरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शिमला है, ठंडी तो है यहाँ पे। और यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोल सकते हैं या जो भी बोले, यहाँ पर एसी नहीं है, फ़ैन देखने को मिलता है ऊपर आपको, यहाँ पर क्वीन साइज बेड देखने को मिलता है, और एसी की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि शिमला आपको पता है यहाँ का टेम्परेचर 19-20 डिग्री पे है अभी, तो ये है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक टीवी देखने को मिलती है और गीज़र देखने को मिलता है, गीज़र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्चुअली अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो व्यू उतना अच्छा नहीं होगा, बट गीज़र देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे कमाल चीज़ की, तो यहाँ पर आपको जो है बालकनी है, और बालकनी के बाहर जो व्यू है वो सबसे ज़्यादा कमाल है, तो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है आपको बालकनी से यहाँ पर बाहर ही। और ये कुछ व्यू है, और यहाँ पर हमारा भाई अश्विन भाई क्या कर रहा है भाई, इंडियन जुगाड़। सो ये एक इंडियन जुगाड़ है, कुछ इस तरह से हमने जो है फ़ोन को माउंट किया हुआ है टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने के लिए, तो एक टाइम लैप्स ऑलरेडी ले लिया है, दूसरा वाला अभी रिकॉर्डिंग चालू है। उसके साथ साथ ही एक यहाँ पर जो सबसे जो देसी जुगाड़ है ये वाला, ये यहाँ पर, ये हमने जो है हमारे पास एक ही माउंट था बट हमको दो टाइम लैप्स चाहिए थे, तो दूसरे एंगल से यहाँ पर कुछ जुगाड़ करके बिठाया हुआ है। और ये वाला एंगल लूँगा अब, ये वाला दूसरा एंगल है, और कुछ इस तरह से जो व्यू है ना वो कमाल है। सबकी प्राइसिंग जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा 371 रुपीज़, और इसमें ब्रेकफास्ट ऐड करने के बाद जो है 466 हो जाता है। सो दो दिन पहले बुक किया था तो उस वक्त ऑफर में मिल गया था। कितना डिस्काउंट था? पहला मैं बताता हूं, डिस्काउंट कितना था? 95%। 95% डिस्काउंट। होटल बुक करने का सबसे बेस्ट टिप बताता हूँ, अगर आप कोई लोकेशन जा रहे हो जिसमें जो एक यू नो
नॉन मतलब सब मतलब सीजन के टाइम नहीं जा रहे हो, या आप एक ऐसे टाइम पे जा ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे होटल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आप होटल बुक करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि होटल है ना, आप मिनिमम दो दिन पहले बुक करो, क्योंकि जब होटल में जब आप मतलब कोई भी होटल में अगर उनको कस्टमर्स नहीं होते तो उन लोग पूरा प्राइस ड्रॉप कर देते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से जो है आप जुगाड़ करके कर सकते हैं बुकिंग बेस्ट आई मीन चीपेस्ट होटल है, और आई मीन इट्स नॉट बैड, हमने मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी इससे क्योंकि इतने कम प्राइसेस में, बट फिर भी हमें जो कमाल की चीज़ देखने को मिली। क्या चाहिए भाई 300 रुपये में क्या चाहिए, और यहाँ से जो व्यू है ना भाई वो सबसे ज़्यादा कमाल है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो गाइज फ्रेश हो गए हम लोग और अब निकल रहे हैं बाहर का आसपास का एरिया देखेंगे क्या कुछ हो रहा है बाहर, क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे आसपास में घूमने को, या कैफेज़ वगैरह कुछ भी जो कुछ भी देखने को मिलता है आपको दिखाएंगे। और टाइम हो रहा है 7:25 यानी कि 7:30, तो चलते हैं बाहर जाके देखते हैं। चलिए चलते हैं पहले पेट पूजा करने। तो गाइज गए थे हम लोग खाने की तलाश में लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, और यहाँ के रास्ते भी बहुत अजीब है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और जो भी कुछ भी है सब बहुत दूर है, तो अभी दूर मतलब 2-3 किलोमीटर कौन चलेगा वही, और इतनी रात से भूख लगी है, आई मीन रात नहीं हुई है स्टिल, यहाँ पे 7:30 हुआ है बट स्टिल अंधेरा तो हो ही गया है, सो कहीं जाने का रिस्क नहीं ले सकते, तो हमने होटल के आसपास के एरिया नहीं देखा एक बार रिस्क लिया उसका नतीजा भुगत चुके हैं हम लोग, तो इस बार सेफली कर रहे हैं। स्टिल अब देखते हैं होटल में ही मिलेगा जो भी मिलेगा खाने को, वहीं से खाना पड़ेगा। तो गाइस खाना हमने ऑर्डर कर लिया और हम लोग यहाँ पर ज़मीन में बैठ के खा रहे हैं क्योंकि अपनी जड़ें कभी भूलनी नहीं चाहिए, और सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है ज़मीन में बैठ के बहुत टाइम के बाद, आई मीन याद नहीं है लिटरली लास्ट टाइम कब ज़मीन में बैठ के खाना खाया था। और फूड क्वालिटी कैसा है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि चीपेस्ट होटल की बात हुई है तो चीपेस्ट होटल का खाना भी टेस्ट तो करना ही चाहिए। अच्छा है, सब में बोला ना अच्छा है, मतलब अबव एवरेज है, बेस्ट तो नहीं बोल सकते बट स्टिल अबव एवरेज है और अच्छा खाना है। हमने जो है कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था और तीखा नहीं बोल सकते, थोड़ा तीखा नहीं है, अश्विन को तीखा लग रहा है तो बोल रहा है तीखा है, बट नहीं तीखा नहीं है, नॉर्मल है, इजीली खा सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग सुबह उठ गए, एक्चुअली रात में बहुत थक गए थे और खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉगिंग करने का, तो हम लोग सो गए थे, और रात में हमने खाना भी बहुत सारा ऑर्डर कर लिया था, उसमें से बिरयानी जो है बच गई एक्स्ट्रा, तो अभी सुबह खाएंगे क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सुबह उठने के बाद जो नज़ारे देखने को मिले ना भाई कमाल है, यहाँ पे जो व्यू है ना वो भी कमाल है, और बाहर यहाँ पे कुछ लोग परेड वगैरह कर रहे हैं, सो स्टूडेंट्स हैं कुछ तो परेड चालू है विद म्यूज़िक, सो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर किया है, सो अभी आने वाला है थोड़ी देर में, और बस खा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे आज शिमला जो एक्सप्लोर करेंगे क्या कुछ देखने को मिलता है हमें आसपास के यहाँ पे एरिया में, और उसके बाद कुछ खास है कुछ फ्रेंड से मिलने जाना है। ब्रेकफास्ट अभी आ चुका है यहाँ पर और अभी नाश्ता करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, फिर फ्रेश होकर चेकआउट करेंगे यहाँ से, और बैकग्राउंड ये म्यूज़िक इन लोग का ही आ रहा है। सो गाइज चेकआउट टाइम हो गया और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। होटल का अगर एक ओपिनियन फाइनल ओपिनियन बोलूँ तो डिसेंट सा होटल है, आई मीन इस प्राइस के लिए तो बेस्ट है, आई मीन इतना सस्ता होटल कहीं मिलता ही नहीं है, 300 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता, बट स्टिल जो व्यू मिलता है ना कमाल का है वो, और आप डेफिनेटली बुक कर सकते हो, ओयो से मिला है बेसिकली और कुछ डिस्काउंट्स थे, तो इसका प्राइसिंग रेंज जो है वेरी करता रहता है, 1200 से 1300 1500 ऐसा कुछ चेंज होते रहता है। और यहाँ से जो व्यू मिलता है ना एक बार वापस से दिखा देता हूँ ना, ये सच में कमाल है यार, व्यू जो है ना सारे पैसे इसी के लिए, और इनफैक्ट हम लोगों ने जितना आई मीन स्टे का जितना पे नहीं किया उससे ज़्यादा तो हम लोगों ने खाना पे खर्चा कर दिया है, और फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई इससे भी सस्ता होटल पता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।